हेलो फ्रेंड, दिस इज योगल लाडा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, काफ़ी उनसे कमेंट आया था, वो मुझसे पूछ रहे थे कि भाई सुजुकी मैक्स 100 का माइलेज सेट कैसे होता है। तो भाई ये खड़ी हुई मेरे पास सुजुकी मैक्स 100 खड़ी हुई है, उसका माइलेज कैसे सेट होगा मैं आपको वीडियो में बताता हूँ। और आपको भाई चैनल सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा, और वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में दोस्तों ऐसे मुझसे पूछते रहें ताकि मैं आपको आंसर देता रहूँ। अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे सेट होता है। तो दोस्तों, ये गई सुजुकी मैक्स 100, इसका माइलेज कैसे सेट होगा मैं आपको बताता हूँ। ये इसका RPM वाला है और ये है इसका मिक्सचर, जिसे कहते हैं ट्यूनर। इसका ट्यूनर इसका मिलाना पड़ता है, इन दोनों का आपस में सही से ही मिलाना पड़ता है, जिससे हमारी जो हवा जो होती है एयर फिल्टर से होकर आती है वो पेट्रोल और हवा सही मात्रा में जाएँ, जिससे हमारा माइलेज काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कैसे सेट होता है। तो सबसे पहले दोस्तों, हमें RPM जो होता है वो हमें बढ़ाना पड़ता है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं जब गाड़ी स्टार्ट करूँगा तो आपको मेरी आवाज़ नहीं आएगी, इसलिए मैं बताता हूँ आपको कि सबसे पहले RPM इसका बढ़ाएंगे हम, कुछ ऐसे करके टाइट करेंगे इसको तो RPM बढ़ेगा। उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, उसके बाद ये जो मिक्सचर है इसको हमें टाइट करना है, टाइट की फुल टाइट हो जाए। उसके बाद हमें जैसे आपको लगे कि हाँ RPM हमारा कम हो रहा है, उसके बाद हमें मिक्सचर को एक आधी चूड़ी खोलनी है, फिर हमें फिर से एक चूड़ी खोलनी है। जैसे हमें लगे कि हमारा RPM बढ़ गया इसी जगह, तो हमें इसी जगह छोड़ के इसका RPM कर देना है कम, ऐसे माइलेज सेट हो जाएगा। आपको करके दिखाता हूँ अभी दोस्तों। दोस्तों, हम इसको RPM बढ़ाएंगे सबसे पहले। तो मैंने RPM बढ़ा दिया, उसके बाद मैं मिक्सर टाइट कर दूंगा बिल्कुल। अब मिक्सर मैं एक चूड़ी खोलूँगा, उसके बाद आधी चूड़ी खोलूँगा। अब ये सेट हो गया, RPM ज़्यादा हाई हो गया, तो मैं इसी जगह सेट कर दूंगा। दोस्तों, ये सेट हो चुका है बिल्कुल, मैं इसमें थोड़ा RPM कम कर दूंगा। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। ऐसे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट करते रहना। दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।